वेलकम एन ऑल, मैं हूं मान, आप सभी का वेलकम करता हूं बॉलीवुड गपशप में। और आज मेरे साथ है, मुझे नहीं लगता कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है, क्योंकि इनकी दीवानगी सिर्फ लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में भी बहुत ज्यादा है। हर कोई इनकी तरह बनना चाहता है, इनकी तरह दिखना चाहता है और इनसे बेहद मोहब्बत करता है। वो आज नागपुर के दर्शकों ने तो बता ही दिया। साहिल खान जी, नागपुर आके कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नागपुर का। आज nutrition.com ने मुझे इन्वाइट किया। आई थिंक एवरी टाइम, मैं तीसरी बार शायद नागपुर आ रहा हूँ। एवरी टाइम आई कम एंड आई फील कि समय कम है, मुझे और समय देना चाहिए था, लेकिन आज बारिश थी और ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ लोगों से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे और मिल नहीं पाए सुबह 11 बजे से, क्योंकि बारिश की वजह से हम थोड़ा डिले करते गए। एंड यस, वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने देखा है कि आप सबसे पहले बॉक्सर बनने गए थे, फिर वहाँ आपकी बॉक्सिंग जो मेरी बहुत पिटाई हुई, तो मैंने बोला यहाँ बचपन में रॉकी फोर देखने के बाद, स्टलोन को देखने के बाद सबको जोश आ जाता है, तो बचपन में मैं वो चाहता था, लेकिन उसके बाद बन नहीं पाया। जिम करने लगा तो थोड़ी बहुत तारीफ हो गई, कुछ यू नो, एंड देन यू गॉट स्टक विद बॉडी बिल्डिंग। गोवा में, मतलब हिंदुस्तान में, मैं कह सकता हूँ गोवा में बीच जिम सिर्फ आपने ही खोला, बल्कि हिंदुस्तान में आपने ही इंट्रो करवाया उस जिम का, कैसा रहा वो जर्नी? गोवा में जो बीच जिम हमने खोला था वो इंडियाज फर्स्ट बीच जिम था। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रिएट अ हिस्ट्री विद दैट, के गूगल पे जब आप लिखें इंडियाज फर्स्ट बीच जिम तो वो साहिल खान होना चाहिए था। एक इच्छा थी मेरी, वो किया। लॉकडाउन की वजह से अब इक्विपमेंट ख़राब हो गए हैं, जिम बंद हो चुका है, सो बट वी हैव अ लॉट मोर इन आवर प्लेट राइट नाउ। एक्सक्यूज मी, स्टाइल और बड़ी बड़ी मूवी हमने देखी है और आपका मतलब आपका टैलेंट वहाँ हमने बहुत दिखा है, लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत हंसे है, और आज बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आपने अपने किंग बना लिया, कैसी है ये पूरी जर्नी? अब किंग हूँ या नहीं बॉडी बिल्डिंग का वो तो पता नहीं, क्योंकि लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि फिटनेस इंडस्ट्री को, कोशिश की मैंने कि ग्लैमराइज करें, मॉडर्न करें, बहुत ओपन करें, बिगर करें, यू नो, सो जो कुछ मैं कर सकता था जिस तरह से कर सकता था, अपना अपना स्टाइल होता है। आई ट्राइड माई बेस्ट एंड होप इट इज़ वर्किंग। नाउ आई सी कि बहुत लोग कॉपी कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर। पता चला टाइम बहुत कम है, चाहते थे नागपुर के दर्शकों से आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जेन्युइन सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। कुछ लोग सस्ता सप्लीमेंट में पी लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे सिर्फ ब्लोटिंग आती है और ओवरऑल ऑर्गन में बहुत फ़र्क पड़ता है। सो आप लोग थोड़ा महंगा लें, कम पिए, और अगर नहीं बजट है तो मत लो सप्लीमेंट, लेकिन सस्ता वाला चीप मत लो। ऐसा कोई फैन, ऐसा कोई दीवाना जिसको देखकर आप इमोशनल हो गए? ऐसे हैं, मिलते रहते हैं कुछ दो चार प्यार करने वाले, कुछ किसी ने टैटू करा लिया है मेरा फेस, तो यस आई फील। थैंक यू सो मच साहिब हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू, गुड जॉब ब्रदर, गॉड ब्लेस। मैं मान यहाँ से तो विदा मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ। टिल देन मान से गुड बाय एंड टेक केयर।